Hi to all my lovely viewers. Welcome back to Anushi's Creative Life. तो guys, आज संडे है एंड अभी इवनिंग के टाइम हो रहे हैं अराउंड 8:30. तो मैं डिनर बना रही थी और मैं अभी जो आप देख रहे होंगे मैं इतनी सारी सब्जी जो कट कर रही हूँ मैं किस जो कि मेरा जो रेसिपी है वो आज मैं बना रही हूँ पाव भाजी. तो मैं सोची कि ये मैं बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी ये रेसिपी शेयर करती हूँ. तो ये मैं जो कि सारे वेजीज को मैं कट कर रही हूँ. कैरेट है, 4 पीस ऑफ कॉलीफ्लावर मैं ली हूँ एंड बीन्स है, 3 to 4 बीन्स है. मैं ज़्यादा वेजीज नहीं ली हूँ क्योंकि 2 जन के लिए ही बना रही हूँ तो ज़्यादा लेना भी वेस्ट है. और यहाँ मैं कुकर में ऑलरेडी 2 टेबल स्पून आपकी जो वाइट ऑयल होते हैं यानी कि रिफाइंड मैं ऐड कर दी हूँ. और इसमें मैं सारी वेजिस को ऐड करके मतलब इसमें सारे डाल के 2 to 3 मिनट मैं उसको फ्राई करूँगी. और इसमें मैं जिंजर गार्लिक की पेस्ट एंड चिली पेस्ट में ऐड की हूँ. ओके, एंड ये थोड़ी सी फ्राई करने के बाद में मैं इसमें जो कि बताना चाहूँगी पाव भाजी मसाला ऐड करूँगी. आप देख सकते थोड़ी देर बाद आप देखना कि इसमें पाव भाजी मसाला ऐड होंगे. एंड हाँ, ये मैं सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ ताकि इससे थोड़े वाटर रिलीज़ हो, सारे सब्ज़ी में सॉल्ट जाए और थोड़े टेस्ट अच्छे आते हैं. और ये जो कि पाव भाजी मसाला है, मेरे पास एवरेस्ट के पाव भाजी नहीं है क्योंकि US में एवरेस्ट के पाव भाजी मसाला बहुत रेयर मिलते हैं. तो जो भी US वाले लोग हैं, अगर एवरेस्ट के पाव भाजी खाने के इंडिया में जिसको पाव भाजी एवरेस्ट के आदत है वो यहाँ पे जो US शिफ्ट हो रहे हैं ये इस मसाले यूज़ कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ी फ्राई करूँगी और अराउंड 2 to 3 मिनट्स के लिए. ओके, और ये जैसे थोड़े से जो कि वेजीज है ये थोड़े सॉफ्ट होंगे मैं यहाँ पे 1.5 कप वाटर ऐड कर दूंगी. और ऐड करने के बाद में मैं इसको थोड़ी प्रेशर कुकर में अराउंड 4 to 5 अराउंड वेसल्स इसके मैं लगने दूंगी. ठीक है, और ये जैसे ही अच्छे से स्मूथ सॉफ्ट हो जाएंगे वेजीज तो फिर आप उसको बंद कर सकते हो. और मैं यहाँ पे अराउंड 4 to 5 में वेसल्स लगाई हूँ, इसमें प्रेशर दी हूँ. और यहाँ पे मैं एक पैन ले ली हूँ यहाँ पे जो कि मैं ज़्यादा नहीं अपने अंदाज से यानी कि 2 टेबल स्पून वाइट रिफाइंड ऑयल ऐड की हूँ एंड 1 क्यूब में बटर ऐड करूँगी. बटर देने से काफ़ी अच्छे टेस्ट लगते हैं क्योंकि पाव भाजी में आप ज़्यादा अगर बटर यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे फ्लेवर आते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छे लगते हैं और स्मेल भी बहुत अच्छे आते हैं. तो मैं ज़्यादा तक मैं पाव भाजी ऐसी ही बनाती हूँ. ये मुंबई स्टाइल पाव भाजी है. आप मैं इतना सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी एक बार ये ट्राई करो, ये बहुत टेस्टी ये रेसिपी है. और मैं यहाँ पर 1 मीडियम साइज़ ऑफ अनियन ऐड कर रही हूँ. ओके, एंड मैं इसके बाद में थोड़े से मतलब जो कि बताना चाहूँगी इसको फ्राई करूँगी 1 मिनट के लिए. जस्ट इसके जो कच्चापन है ना वो थोड़े से वो हट जाए. और यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड ग्रीन चिली पेस्ट में यूज़ कर रही हूँ. मैं ग्रीन चिली थोड़े मिर्च थोड़ी कम यूज़ करती हूँ क्योंकि हम लोग थोड़ी मिर्च कम खाते हैं. अगर आप लोग तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप लोग अपने क्वान्टिटी के अनुसार अपनी मिर्च आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, और जैसे कि मैं इसको थोड़े फ्राई होने दे रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट. ये जिंजर गार्लिक के जो कच्चापन है ना वो अगर मर जाएंगे ना तो उसके थोड़े से जो टेस्ट है ना वो अच्छे और अरोमा जिसको बोलती हूँ ना वो अच्छे आते हैं, नाइस अरोमा आते हैं. और यहाँ पे मैं बिग चंक साइज ऑफ टोमेटो मैं ऐड कर दी हूँ क्योंकि पाव भाजी में 2 चीज़ बहुत मैंडेटरी है, एक टोमेटो एंड दूसरा बटर. इससे ही दो ऐसा है, ये 2 चीज़ से ही पाव भाजी के बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं. तो मैं यहाँ पर टमाटो ऐड करके इसको मैं थोड़ी सी इसको सॉफ्ट होने दे रही हूँ. हाँ जी, तो टमाटो आपके वो सॉफ्ट हो चुके हैं और मैं यहाँ पे 1 नहीं बोलूँगी, हाफ़ के हाफ कैप्सिकम ऐड कर रही हूँ.
बहुत लोग कैप्सिकम ज़्यादा ऐड करते हैं, बट मुझे कैप्सिकम की टेस्ट उतनी पसंद नहीं है। हाँ थोड़ी पसंद है, तो मैं थोड़ी सी कैप्सिकम ऐड की हूँ। और यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ऑलरेडी मैं वेजीज में सॉल्ट ऐड कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ी से ही ऐड कर रही हूँ ताकि ज़्यादा सॉल्ट ना हो। और गाइज अभी मैं थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर ऐड कर रही हूँ, और टर्मरिक पाउडर ऐड करने से इसके कलर अच्छे आ जाते हैं पूरे धीरे धीरे। जब आप इस पर बहुत सारे जो कि स्पाइसेस आप जितने ऐड करते जाओगे ना, तो बिल्कुल कलर चेंज हो जाएंगे और ये बहुत ही डिलिशियस दिखते हैं, अट्रैक्टिव कलर आने लग जाते हैं। और यहाँ जैसे कि थोड़े से सब्जी मेरे सॉफ्ट हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर बॉयल्ड मैश पोटैटो, अराउंड में 2 पोटैटोज ली हूँ और मैं इसको ऐड कर दी हूँ। और ऐड करने के बाद मैं इसको खूब अच्छे से इसको मैश करना है। तो मेरे पास वो जो कि बताना चाहूँगी, वो जो मैशर होते हैं ना पाव भाजी जिससे करते हैं जैसे शॉप में, वो मेरे पास नहीं है। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्पैचुला से मेरे अच्छे से हो जाते हैं, तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसी से ही मैं करती हूँ। तो गाइज़ अगर अच्छे बेस्ट पाव भाजी खाने हैं, तो आप लोगों को हमेशा ये चीज़ माइंड में रखना होगा कि भाजी है उसको जितने हो सके आप उतने अच्छे से मैश करो ताकि वो स्मूदी टेक्सचर हो। तो जो कि मैं प्रेशर कुकर में जो वेजीज उस वक्त मैं प्रेशर की थी, वो सेम वही वेजीज है। और ये देखिए ये बिल्कुल पेस्ट हो चुके हैं। अभी मैं इसको ऐड करके इसको खूब अच्छे से चलाऊँगी, अराउंड आधा घंटा तो मैं चलाऊंगी, ताकि ये बिल्कुल स्मूदी एंड क्रीमी टेक्सचर आए, ताकि आप जब पाव में इसको लेकर खाओ तो वो फील एक होते हैं ना कि एकदम बिल्कुल बटर वाले फील आए। और यहाँ पे मैं अराउंड 3-4 टेबलस्पून पाव भाजी मसाला फिर से ऐड कर रही हूँ, ताकि मैं इसके जो दोबारा ऐड कर रही हूँ ना, इस पर काफ़ी अच्छे टेस्ट आते हैं। और इसको मैं ऐड करने के बाद में इसको मैं फिर से अपने स्पैचुला के हेल्प से फिर से इसको मैं अच्छे से मैं मैश करूँगी, ताकि एक भी सब्जी जो होते हैं ना उसके लम्स ना आए, और जितने भी सब्जी हो सारे पेस्ट हो जाए। इवन जो पोटैटो भी जो मैं ली हूँ उसको भी मैं प्रॉपर वे में मैश करके उसको एकदम क्रीमी टेक्स्चर में मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून जो कि मैं चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। गाइस मैं थोड़ी कम चिली ऐड करती हूँ, बिकॉज हम लोग थोड़ी लेस स्पाइसी खाते हैं। तो अगर आप लोग थोड़े से तीखा ज़्यादा खाते हो तो आप अपने अनुसार मिर्च ले सकते हो। और यहाँ पे मैं फ्रोज़न स्वीट पीस ले ली हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश नहीं मिलते हैं, तो मैं स्वीट फ्रोज़न पीस ले ली हूँ। और इसको मैं अच्छे से वाटर ऐड करके इसको मैं खूब मैश कर रही हूँ, ताकि ये पूरे जितने भी सब्जी के जो लम्स हैं ना वो सारे एकदम पेस्ट हो जाए। और यहाँ पे मेरी भाजी बनके रेडी हो चुके हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ी सी कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दे रही हूँ, और ऐड करने के बाद इसको मैं कवर करके थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। तो यहाँ भाजी तो रेडी हो चुके हैं, अब मैं जल्दी जल्दी करके मैं फटाफट पाव की मैं तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं 3 टेबल स्पून में वाइट रिफाइंड ऑयल ले ली हूँ, और यहाँ पर 1 क्यूब में बटर ऐड कर ली हूँ। मैं बटर को अच्छे से मैं उसको मैं पैन में लगा दे रही हूँ, ताकि पाव में इक्वली वे में सभी पाव में बटर लगे। और जो कि बताना चाहूँगी कि आप बटर ज़्यादा लेते हो तो बहुत अच्छे टेस्ट आते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट पाव को मैं अरेंज कर ले रही हूँ, और मैं थोड़ी सी पाव को क्रिस्पी वे में गरम करती हूँ। बहुत लोग होते हैं कि थोड़े से कच्चे कच्चे खाते हैं, बट मुझे थोड़े से ब्राउन होने से मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि उसके थोड़े कच्चेपन भी हट जाते हैं।
और यहाँ पर देख सकते होंगे कि मेरे पाव हल्के हल्के ब्राउन होने शुरू हो गए हैं और ये पूरे अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। तो गाइज मैं फटाफट अपनी प्लेटिंग करती हूँ। अगर आपको मेरी मुंबई स्टाइल पाव भाजी पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए। गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।